जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बना था तो उसमें चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, तो ये राजधानी शब्द तो है ही नहीं कहीं, ये तो पंजाब और हरियाणा को यूज करने के लिए दे रखी है, भाई तुम्हारी राजधानी है, हमारे को लिख के दो, हम हरियाणा के वासी हैं, हमें राजधानी चाहिए, हमें हाईकोर्ट भी चाहिए। क्यों नहीं जी, थोड़े बीजेपी सरकार सी, सेंटर भी बीजेपी सी, फिर भी नहीं जे हो पाया। वे स्वार्थी लोग हैं, वो लोगों की नहीं सोचते, तो हमने तो इसलिए आंदोलन चलाया भाई ये इसका सलूशन करो, आज नहीं करो 10 साल बाद 20 साल में होगा, हम तो चाहते अभी करो। कि हरियाणा की राजधानी कहां पर बनाई जाए, हमारा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं है, हरियाणा की मांग है कि हरियाणा की भूमि पर हो। देयर इज अ रीजन जेड़ा कहंदे कि भी अपनी कैपिटल चाहिए, अपना कोर्ट चाहिए, बाकी जेड़ी चीजें सानू पहले तो पता है, वर्कलोड इज टू मच। बाबूशाही देख रहे हो तुसी, लोक सभा चोणा जिस तरह के नाल बिल्कुल करीब आ चुकी ने, तो वक् वक् सूबों की जी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वह गरमा रही हैगी। हरियाणे की असी गल करिए, हरियाणे दे विच एक बार फिर तो हरियाणे लई वक्री विधानसभा हाईकोर्ट ते राजधानी की जी मंग है वह फिर तो उठ रही हैगी, और चोणा तो पहला जी हैगी है ये खास तौर पर जेडे वकील ने एडवोकेट्स ने हरियाणा के उन्होंने वालों उठाई जा रही हैगी है। हरियाणा बनाओ अभियान जोड़ा हैगा वो रणधीर सिंह बदरान की जी अगवाई दे चल रहा है, सो उन्होंने वालों दोबारा ये मुद्दे जोड़े ने वो चुके जा रहे हैं, गलबात करांगे। ये बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सबका प्रधान भी रहे ने, किवें देखते हो जी जी दोबारा मंग है कितना जरूरी समझते हो हरियाणे के लिए सैपरेट विधानसभा होना, हाईकोर्ट होना, तो कैपिटल वीक मिलना? हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का हाईकोर्ट। यदि हरियाणा की राजधानी अलग बनेगी तो आज हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मैं समझता हूँ बेरोजगार जो युवा हैं हमारे विदेशों में जा रहे हैं, गाँव के गाँव हरियाणा में खाली हो गए हैं। यदि हरियाणा की राजधानी आएगी हरियाणा में बन के तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज हरियाणा के सामने है। इसके अलावा हरियाणा का हाई कोर्ट अपना अलग हाई कोर्ट नहीं है, केसेज की पेंडेंसी है, 10 15 और 20 साल भी कोर्ट केसेज के फैसले में लग जाता है, जिसको लेकर काफ़ी निरुत्साहित होते हैं हमारे क्लाइंट्स। यदि हरियाणा में हाई कोर्ट आता है तो शीघ्र और सस्ता न्याय दिया जा सकेगा। बतौर वकील हम इस बात से बड़े दुखी हैं कि हम जल्दी निर्णय अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं करवा पाते, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में सफिशेंट नंबर जजेज के नहीं है, ज्वाइंट हाई कोर्ट है, 10 15 20 साल कोर्ट्स के केसेज में लग जाते हैं। तो हमने पूरे हरियाणा में 12 एसोसिएशन में मीटिंग की और 20 के लगभग हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसिज की, पूरा ये मुद्दा 2 साल से हमने हरियाणा की जनता के साथ डिस्कस किया, और आज हरियाणा की जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है कि अब हरियाणा की राजधानी में और देरी नहीं होनी चाहिए, हमारी सेपरेट राजधानी हरियाणा की भूमि पर हो, हमारा सेपरेट पूर्ण हाई कोर्ट हरियाणा की भूमि पर हो, इसको लेकर ही हमने अभियान चलाया है। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा है, मांग की है कि 57 साल के बाद भी हमारा हाई कोर्ट नहीं बन पाया, 57 साल के बाद भी हमारा अपनी राजधानी हरियाणा की अलग राजधानी नहीं बन पाई। हमने मुख्यमंत्री को भी हरियाणा के पत्र लिखा है, सभी जो विधायक हैं सबको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, और अब आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव में समझे मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हमारा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, हमारे लिए सबसे लगाव है, सबसे दूरी है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पर अलग मत रखती है तो हम उसके खिलाफ हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी जी चाहते हैं कि हरियाणा का हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए अलग या हरियाणा की राजधानी अलग नहीं होनी चाहिए, हम उसका खिलाफत करते हैं। जो इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं उसके साथ हरियाणा की जनता अवश्य ही आएगी, उसको बेनिफिट होगा, और जो खिलाफत करेंगे उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में। राणा जी, हाँ जी, ये दसो जी ऑलरेडी जी कैपिटल चंडीगढ़ जॉइंट कैपिटल है पंजाब ते हरियाणा दी, उस तो थोनू की एतराज़ है? इत्थे हाई कोर्ट भी हैगा, विधानसभा भी है, सैपरेट विधानसभा भी बन रही है हुण हरियाणा लई, सो फिर भी की मुश्किल आ रही ने, थोनू ये चीज़ तो की प्रॉब्लम है? देखिए, जो भी नए राज्य हरियाणा के बाद 10 राज्य बने, सभी ने अपनी राजधानी और अपने हाईकोर्ट बना लिए। यदि हाईकोर्ट हरियाणा का अलग होगा तो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा जजेज आएंगे, शीघ्र और सस्ता न्याय लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जो दूर दराज से चंडीगढ़ में आते हैं, कोई पलवल से है, होडल से है, फरीदाबाद से है, उनके लिए जल्दी अप्रोचेबल होगा। और हरियाणा एक पूर्ण स्वाभिमान की बात करता है, जो तभी पूरा उसके जब हमारी अपनी राजधानी होगी। ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था,
जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, सेंट्रल एक्ट है, उस समय स्थितियाँ अलग थी, हरियाणा के पास संसाधन नहीं थे। आज हरियाणा के पास संसाधन है, हरियाणा अपनी एक नई राजधानी बना सकता है। यदि नई राजधानी बनेगी तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार का सृजन होगा, काफ़ी सारा जो हमारा रिवेन्यू है वो जनरेट होगा। की लगता है जी कितने होनी चाहिए है, कैपिटल कितने होनी चाहिए है, फिर क्योंकि पहला कैपिटल डिसाइड होगी, उस तो बाद फिर उत्थे हाई कोर्ट जी बन सकती है। तुसी कोई मंग पत्र दिता है कि पहला तो ये मंग थोड़ी किस तरह के रिप्रजेंट की है कि सैपरेट होवे, फिर सजेशन की दिता है? हमने तो यही मांग की है कि हरियाणा की अलग राजधानी और हाई कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि हम कोई जगह इसलिए सजेस्ट नहीं कर पाते कि एक बड़ा इशू है जिसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन आती है, रोड की कनेक्टिविटी, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, लैंड की स्ट्रेंथ के, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किस ज़मीन पर बन सकती हैं, ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ले सकती है, एजेंसियाँ हायर कर सकती है और उसके बाद एक निर्णय लिया जा सके हरियाणा की राजधानी कहाँ पर बनाई जाए। हमारा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं है, हरियाणा की मांग है कि हरियाणा की भूमि पर हो ताकि हरियाणा की संस्कृति को बचाया जा सके, हरियाणा की और यूनिटी हो, हरियाणा का विकास हो, हरियाणा में नए रोजगार का सृजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में रिवेन्यू जनरेट हो, इसलिए हमने ये मांग पत्र दिया है। और आने वाले समय में हमारा अभियान और जोर पकड़ेगा, हर घर तक हम जाएंगे और राजनीतिक पार्टियों को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तुसी चंडीगढ़ तो हक छड़ना चाहते हो, तुसी कह रहे हो कि हरियाणा की भूमि तो होनी चाहिए है, ये मतलब तुसी चाहते हो कि चंडीगढ़ जे हरियाणा दे तो मतलब खुश जे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पंजाब नूं मिल जे? देखिए आज जो स्थिति है उसमें क्या है, हमने यदि कोई बिल्डिंग चंडीगढ़ में बनानी है हमें चंडीगढ़ एडमिशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें वो भूमि भी खरीदनी पड़ेगी, तो किस तरह का हक है हमारा चंडीगढ़ में? हमारी जो आज प्रॉपर्टी है, जो हमारे ऑफिस रह सकते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन हम तो एक नई राजधानी हरियाणा में बनाने की बात करते हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है, उस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रॉपर्टी का कोई डिवीज़न ना पंजाब के लिए है ना हरियाणा के लिए है। यूनियन टेरिटरी एक अलग से यूटी है, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, हरियाणा की अलग बाउंड्रीज हैं, पंजाब की अलग बाउंड्रीज हैं, ज़मीन का किस तरह का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, हमें इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है। जो स्थिति आज है वो रहेगी, हमारी एक पूरी नई राजधानी हम बनाना चाहते हैं, जैसे कई और स्टेट हैं उन्होंने अपनी अलग से राजधानी भी बनाई है और दो दो बेंच हाई कोर्ट के भी रखे हैं, वो हरियाणा में होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सो मैम किरणदीप कौर नाल भी गलबात करते हैं, मैम तुसी की समझते हो जो उन्होंने थोड़े साथियों ने दसिया तो प्रेशर बिल्डअप तुसी कर रहे हो? मैं बिल्कुल इन्ना अग्री करती हूँ, देर आर सर्टन थिंग्स जी असी थोड़े नाल कुछ गल्लां नहीं भी कर सकते, देर इज़ अ रीज़न जिहड़ा कहिंदे कि भी अपनी कैपिटल चाहिए है, अपना कोर्ट चाहिए है, बाकी जिहड़ी चीज़ां सानू पहले तो पता वर्कलोड इज़ टू मच तो किन्ने सालों तो पेंडिंग है, दैट विल फिर वो सोल्व हो जाएगा नाले। अपने हरियाणा के जोड़े बंदे है दे डोंट फील कंफर्टेबल, वट आई फील जो इंटीरियर की गल कर रही हूँ इदा तो दे आर वेरी कंफर्टेबल हेयर, सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, वी देर आर सर्टन अदर रीज़न विच आर नॉट टू बी डिस्कस हेयर, सो दिस इज़ वाई वी वॉन्ट जी। राणा जी तुसी दसो प्रैक्टिकली सोल्यूशन की देख रहे, क्योंकि सियासत जी है पॉलिटिक्स है उस चीज़ पर होंगी है कि चंडीगढ़ हरियाणा मिले या पंजाब मिले, पर जी थोड़ी जी डिमांड है उस लगता है भी कितने कितने तुम कह रहे हो कि चंडीगढ़ सानू साढ़े हथों जाता जाए पर सानू एक अपनी सैपरेट जी जगह मिल जाए कैपिटल मिल जाए। देखो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, 57 साल हो गए और ये भाषा के आधार पर बना था। जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बना था तो उसमें चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो ये राजधानी शब्द तो है ही नहीं कहीं भी, ये तो पंजाब और हरियाणा को यूज़ करने के लिए दे रखी है भाई तुम्हारी राजधानी है, वाकई में राजधानी नहीं है ये। तो हम तो ये कहना चाहते हैं आज हरियाणा हर तरह से समर्थ है, संस्कृति में भी, वैसे भी हरियाणा का विकास है, हरियाणा में टैक्स में भी नंबर वन आया था, पीछे GST हुआ था तो नंबर वन आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के लीडरों को, इब आम जन का तो ये मुद्दा बन गया, हम 2 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी को पूछना चाहता हूँ जो सत्ताधारी लोग हैं, भाई आप लोग जब सत्ता में आते हो तो इसको रेजुलेशन पास करके सेंटर पर डाल लो। अब भी मैंने तो ये कहा कई बार भाई जो भी MP आए आगे MLA आए जो गांव पंचायत या चौपाल होता लोग उनसे जवाब दे ले, भाई ये बताओ आपके व्यू क्या है, आप
हमारे को लिख के दो, हम हरियाणा के वासी हैं, हमें राजधानी चाहिए, हमें हाई कोर्ट भी चाहिए। दूसरे साथियों ने बताया अभी लिटिगेशन में देख लो 44 लाख के सारे निचले जुडिशरी के, हाई कोर्ट के, और राजधानी का तो मसला आज से नहीं है ये, और सेंटर को ये करना पड़ेगा। संविधान में पूर्ण राज्य वही माना जाता है जब अलग हाईकोर्ट हो और अलग राज्य हो। या क्यों नहीं जी, थोड़े बीजेपी सरकार सी, सेंटर भी बीजेपी सी, फिर भी नहीं जे हो पाया। उसका एक कारण है, राजनीतिक लोग जो हैं वे स्वार्थी लोग हैं, वो लोगों की नहीं सोचते, उनके हित सिर्फ ये चाहते हैं मैं चंडीगढ़ में रहना है। वो ये नहीं सोचते मैं धरगढ़ से आदमी जो उठ के आ रहा, रिवाड़ी से जो उठ के आ रहा, उसकी क्या प्रॉब्लम ना। जो यहाँ के नेता लोग हैं, एमपी लोग हैं, ये मुद्दा है पब्लिक को भटकने दो। तो हमने तो इसलिए आंदोलन चलाया भाई ये इसका सलूशन करो, आज नहीं करो 10 साल बाद 20 साल में होगा, हम तो चाहते अभी करो। ये मोदी ने बड़े बड़े काम 317 हटा दी, मंदिर बना दिया, जब भारत का संविधान ये इजाजत देता है हर एक राज्य की अलग राजधानी होनी चाहिए हाईकोर्ट, क्यों भी पार्लियामेंट क्यों नहीं करती। हरियाणा का नागरिक हर एक तरह से देश की सेनाओं में जाता है, हरियाणा का नागरिक टैक्स देता है, हरियाणा किस चीज़ में पीछे है। फिर राजधानी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी, क्यों नहीं बनाते, मेरे को ये नहीं समझ में आता भी क्यों नहीं, कहाँ अड़चन है जब स्टेट गवर्नमेंट रेजुलेशन दे रही है। तो ये तो सेंटर को सोचना चाहिए हरियाणा के लोगों के हितों के बारे में, भाई हरियाणा के साथ अन्याय है। हम तो ये कहते हैं इसका फैसला ले मोदी सरकार, खराब तो कोड़ों कंडर जो भी सरकार आ गए फैसला ले, लेकिन ये एक दिन गले की फांस बनने वाली है राजनीतिक दलों के लिए। पंजाब तो हमारा भाईचारा है, हम दोनों भाइयों को लड़ा रहे हैं, ये जानबूझ के लड़ा रहे हैं, इनको इनकी सियासत बनी हुई है। चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हैं, इनको उन लोगों को तो मुसीबतों के बारे पता, जो रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ से उठ के आता है, जो रात को रास्ते में रुकता है, हाँ तो डबवाड़ी से, उनके कितने पैसे लगता है। ये तो नेता लोग करोड़ों के मालिक है, आम जन की कोई इनकी भावना नहीं है, ना ये जवाबदारी समझ रहे, ना ये संविधान को ये नहीं समझते भाई संविधान ने हमारे को पावर दी है, लोगों ने चुना है, संविधान ने पावर दी है, भी क्यों नहीं इस मसले को सुलझा, ये कब तक रहेगा। चलो जब मान जाए तो परिस्थितियाँ ऐसी थी पंजाब हरियाणा की, इतना डेवलप नहीं था, हम भाषा के आधार पर हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम सभी राजधानी केंद्र शासित के रहेंगे, ये तो केंद्र का है, हमारा थोड़ी है पंजाब हमारे भाई उनका भी नहीं है। ये पंजाब ये सोचता ना चंडीगढ़, ये तो बल्कि हरियाणा पंजाब से रेवन्यू इकट्ठे कर रहे हैं, अरे अपना ये तो सेंटर की जिम्मेवारी है यार रेवन्यू स्पेंड करे, हरियाणा से लेते पंजाब से क्यों लेते हो, ये दोनों की राजधानी डिक्लेयर करे, वो भी केंद्र शासित या केंद्र शासित प्रदेश हटाए, शब्द हटाए, ये लिखे दोनों की राजधानी है, इसलिए ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ, और लोग एक दिन से जवाब लेंगे पार्लियामेंट से भी और विधायकों से। मैं तो आपके थ्रू कहना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार को, अन्य विधायकों को, भाई ये आमजन का मुद्दा है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, राजनीतिक फर्ज निभाओ, लोकतंत्र में आपका दायित्व बनता है कि इन लोगों को अलग राजधानी दे, पंजाब वालों को अलग दे, जब ये केंद्र शासित है या केंद्र शासित प्रदेश हटाओ, हरियाणा पंजाब की राजधानी लिखो, या हमारे शेयर अलग अलग करो 50-50% केंद्र शासित, व्हाट मीन केंद्र प्रशासित, हमारी राजधानी है तो फिर हरियाणा की पंजाब की होगी, केंद्र का कोई इंटरफेयर नहीं होगा इसमें, तो इस करके ये सुलझना बहुत ज़रूरी है। और ये मूवमेंट हमने चलाया है और इसको हम लास्ट तक करेंगे, और लोगों को इनको जवाब देना होगा, जो तो पार्लियामेंट है, देश की पार्लियामेंट को भी देना पड़ा। मैं तो ये कहता हूँ लोगों की आवाज सुनो और अपना कर्तव्य निभाओ। जय हिंद। शुक्रिया। सो जड़ी ये मूवमेंट इन्होंने कहा कि चला रहे हैं, होर तेजी फड़ूगी, कितने ना कितने कह सकते हैं कि बड़ा जड़ा पेचीदा मुद्दा है, एक पासे चंडीगढ़ ते हक जताया जाता है पंजाब ते हरियाणा वालों, पर उत्थे जड़े इन्होंने फैक्ट सांझे किए ने कि अगर वो यूटी है तो उसते ना तो पंजाब का हक होना चाहिए ना हरियाणे का होना चाहिए, दोवां दी जड़ी कैपिटल है वो होर कोई उन्हां सूबयां दे विच्चों जड़ा कोई जड़ी सिटी है उसनू चुनना चाहिए, पर जेकर यह जॉइंट कैपिटल बनाई है तो फिर इत्थों जिहड़ा सेंटर का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिहड़ा रेवेन्यू है वो पंजाब ते हरियाणा तो क्यों लिया जा रहा। खैर इन्हां दी डिमांड हैगी है, तो इन्होंने खास तौर पर कहा कि ये चोणां दा समां है, तो लोगों नूं ये अपील की इन्होंने कि ये मुद्दा जहन च रखण ते लीडरां नूं ये सवाल करन। चंडीगढ़ तो कैमरामैन आकाशदीप दे नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबू शाही टाइम्स।